ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है। अभी इसमें जस्ट चावल है वो इसमें जस्ट ऐड करने वाले राइस। गाइस अभी इसमें जो है ना वो चावल है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं बना रहा हूँ चिकन बिरयानी। जब हम वहाँ दुबई थे तो वहाँ पे तो हम बनाते थे चिकन बिरयानी, लेकिन आज घर वालों ने बोला है कि हमें बना के खिलाओ। तो गाइस मैंने सब कुछ जो है वो तैयार कर लिया है, मैंने आप देख सकते हैं सब कुछ इधर रेडी है। अभी ये जो मैंने जो प्याज डाले हैं जब तक ये ब्राउन होते हैं तक आपको दिखाता रहूंगा। ये देखिए प्याज जो है अभी हम बोल रहे हैं, तो दुआ करें कि बिरयानी अच्छी बन जाए, नहीं तो आपके भाई की जो इज्जत है ना वो चकना चूर हो जाए। और तो मुझे कुछ मिला नहीं बनाने को, तो मैंने सोचा चलो यार यही व्लॉग पर आके आपके साथ शेयर कर देता हूं। और बताएं गाइस, मैंने वो लास्ट व्लॉग मैंने पोस्ट कर दिया, तो काइंडली जाके सब लोग वो व्लॉग भी देखें और भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। और काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आइकन को लाजमी प्रेस कर दे, क्योंकि 7 तारीख को मैं जाने वाला हूँ और वहां जाके आपको फिर व्लॉग जो है ना वो मजे के अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। ब्राउन जो है वो हो रहे हैं थोड़े थोड़े, बाद भी अब इसमें बाकी जो है वो चीजें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। गाइस आप देख सकते हैं जो प्याज है वो हो चुके हैं ब्राउन। अब इसमें बाकी चीजें हम जो ऐड करेंगे, इसमें ये देखिए हरी मिर्च और उसके साथ बाकी दूसरी चीजें जो है वो इसको मैं ऐड करने वाला हूं। इसमें ये टमाटर जो है वो ऐड करेंगे, टमाटर जो उसमें ऐड हो चुके हैं। अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे इनको भूनेंगे, भूनने के बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। इसमें भी ऐड करेंगे कुछ गर्म मसाला वो ऐड करेंगे, इसमें लौंग इलायची वगैरह वो ऐड करेंगे। जब तक वो ये ब्राउन होता है तब तक स्टे रहिए। अब इसमें ये हम गर्म मसाला जो है वो ऐड करने वाले हैं। ये इसमें थोड़ा पिसा हुआ है धनिया वगैरह, इसमें मसाला भी ऐड करेंगे। गाइस ये देख सकते हैं आप, ये डाल के अभी ये देखो थोड़ी भुनाई में जो है वो हीट जो है इसमें वो ऐड करेंगे। पकाने के बाद फिर इसमें वो जो है जो हमने उसको भिगो दिए हैं। तो गाइस अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ बिरयानी मसाला। मिक्स होने के बाद इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कर वो बहुत प्यारी आ रही है। हाय हाय मजे। गाइस कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि जो है ये चिकन बिरयानी जो किस तरह की बनेगी, आपने अपनी राय जरूर देनी है, ठीक है। हम तो अल्लाह तो अक्कल लगे हुए बना रहे हैं इसको, तो बिल्कुल हो गया रेडी। अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ चिकन। अब जो चिकन है उसको अच्छे से पकाना है, इसकी जो भुनाई है ना वो अच्छे से करनी है। जब ये चिकन आपका इस तरह हो गया जैसे आप सालन की तरह जब बन जाएगा, तो फिर हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा पकाएंगे पानी को, उसको पकाने के बाद फिर इसमें हम जो है चावल को ऐड कर देंगे। ऐसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, अभी इसमें जस्ट ये जो चावल है वो इसमें जस्ट ऐड करने वाले राइस। गाइस अभी इसमें जो है ना वो चावल है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हमारी बिरयानी है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है। अभी ये देखें इसमें जो पानी है ये हम जैसे इसमें इसमें जो है वो खुश्क होता है, जब तक तब तक हम इसको पकाएंगे। खुश्क होने के बाद फिर इसको बंद करके छोड़ देंगे, तो बाकी जो कुछ है जो अपने उस पर बनेगा अपनी भाप के साथ ही बाकी चावल को पक जाएंगे। तो अभी जस्ट 5 to 10 मिनट्स और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको इसका तैयार शुदा जो है वो दिखाते हैं माल, तब तक देखते हैं। बहुत अच्छी बन गई है, ठीक है गाइस। तो अभी जो है वो हम इसको चेक करने लगे हैं, ठीक है। दुआ करें